दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञात चश्मा इसी का है, चश्मा पहनाया है। तो का चश्मा मुझे अच्छा लग नहीं रहा, लेकिन इसी का लगाया है। अगर आप महाभारत को जानते होंगे तो पता होगा महाराजा विराट जहाँ के थे वो यहीं के थे। कौन सा बेट है भाई, क्या नाम इसका, क्या नाम इस बेट का? बेट है महाराजा शेखर पांडे। चंद्रशेखर पांडे जी हैं, कहाँ करें भैया? हमारा घर गोरखपुर पड़ेगा। क्या बात है इसका पैसा। फ्रेम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज है महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि ये जो है बहुत पावन पर्व है आज हमारे लिए और आपके लिए भी, हमारी तरफ से और आपको, आपके पूरे परिवार को, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हमारे ही पासी में एक, जिस तरह से धाम होते हैं, बाबा बैजनाथ धाम, बाबा सिद्धेश्वर नाथ धाम, बहुत सारे धामों में एक धाम और भी आता है हमारे यहाँ का, तामेश्वर नाथ धाम, जहाँ पर नेपाल के नरेश यहाँ पर आते हैं खिचड़ी में खिचड़ी चढ़ाने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने छत्र दान किया है। और इस महाशिवरात्रि के पर्व पर विशेष मेले का आयोजन होता है, चलते हैं उस मेले में घूमेंगे फिरेंगे और देखेंगे कौन सा मंदिर वहाँ पर है, सबका दर्शन करेंगे। वीडियो में शुरू से अंत बने रहिए, चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप पे शेयर कर दीजिए। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। महाराजा विराट, अगर आप महाभारत को जानते होंगे तो पता होगा महाराजा विराट जहाँ के थे वो यहीं के थे, ताम्र नरेश थे। अगर बात करें इस तामेश्वरनाथ धाम के विषय में तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर की विशेषता है कि महाराजा विराट सिंह के समय में यहाँ पर पांडव जो थे अज्ञातवास में बिताया था उन्होंने, वहीं पर चलेंगे। और गौतम बुद्ध भी इस मंदिर पर आए थे, बहुत ही शानदार मंदिर होगा यहाँ का, आप लोग देखेंगे और दर्शन भी करेंगे इस मंदिर का। जो कि एक साल पहले मैंने इस मंदिर की वीडियो बनाई थी, कहाँ पर, जहाँ पर हम जा रहे हैं। टाइम लगभग 12 बज गया है, चलेंगे अच्छे से, बाइक से ही चलते हैं। धूप काफ़ी तेज है, सोच रहा हूँ टोपी ले लूँ, इससे अच्छा रहेगा। ये कैसा है टोपी, अच्छा लग रहा है? ठीक है चलते हैं टोपी लगा के, क्योंकि धूप इतना तेज है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसी को बुला लूँगा, एक गधे को बुलाया हूँ, अभी को आ रहा है ये। एक घंटे टोटल लेट आ रहा है ये, एक घंटे कर अभी आ रहा हूँ। ये चश्मा इसी का है, चश्मा पहनाया हूँ, का चश्मा मुझे अच्छा लग नहीं रहा, लेकिन इसी का लगाया है। कैसा लग रहा है? स्मार्ट ही। हाँ, हम स्मार्ट हुई, हम कहाँ स्मार्ट हैं, हम तो स्मार्ट है ही नहीं। स्मार्ट लोग ही एक घंटे डेढ़ घंटा लेट आते हैं। कल फ़ोन किया हो तो कल बोला है कि अभी आता हूँ, पहले बताइएगा तो शाम हो गई। आज फिर चल रहे हैं, बोलेगा 6 बजे मुझे भोजन अकेले बनाना है, तो 6 जो ही बजेगा तो बोलेगा मुझे चल घर पहुँचना है, बाइक यहीं पर चलते हैं, चलाएगा यही। चलो स्टार्ट करो। बस वो जो भट्टा दिख रहा है भट्टे के पास ही में है। अब हम लोग आगे से यहाँ से जाएंगे, वहाँ से यल टर्न लेंगे, यल टर्न नया टर्न है, ये जो रास्ता गया जो वैसे जा रहे हैं उनका यल टर्न आ गया, ये है यल टर्न। इस रोड से हम लोग आए हैं, अब ऐसे चल रहे हैं, यल फॉर लुल्लू टर्न है, शुद्ध बोलो। अब ये जो भट्टा है उसी भट्टे के पास हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि रास्ता उधर से भी है, तो लेकिन हम लोग जाएंगे इधर नहर होकर के, क्योंकि आसान रहेगा। फाइनली हम लोग आने ही वाले हैं भट्टे के पास में, ये जहाँ पर पहले लकड़ी और साइकिल स्टैंड यहीं पे होता है अक्सर। तो रस्सी जो गिरी हुई थी उसी रस्सी को खोलेंगे और फिर चलते हैं, गाड़ी हमारी वहाँ पे है। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए जहाँ पर लकड़ी का सारा कारोबार होता है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लकड़ी की जो दुकानें हैं वो हमारे ही आसपास के हैं। क्या क्या मिलता है यहाँ पे, तख्ता मिल जाएगा, कुर्सी मिल जाएगा, जो भी आदेश करे वो भी मिल जाएगा। बेड कितने का है तुम्हारा भाई? अरे पहले बेड और कह रहे हैं, हमारा बेड भी दिखाए, बेड भी कितने का है, अब इनके बेड की प्राइस भी पूछेंगे कि कितने का बेड है ये।
इस मेले में वैसे क्या प्राइज है और इस मेले में क्या प्राइज है? क्या शानदार बेड है। वाह, कौन सा बेड है भाई, क्या नाम इसका? क्या नाम इस बेड का? ये बेड है महाराजा। हाँ, कितने का है ये? इसका दाम 30,000 रुपया है। 30,000 में सेट है, पूरा सेट। क्या क्या है इसमें? डबल बेड है, बड़ी सिंगारदानी है, सोफा वाली कुर्सी है। हाँ, और इसमें सब कुछ आइटम आपको मिलेगा। गारंटी वारंटी? गारंटी 10 साल का है इसमें। क्या बात है, किस चीज़ की गारंटी? मतलब कि टूटने फूटने की, सड़ने नहीं, टूटने फूटने की। आज टूटने फूटने की गारंटी है, सड़ने गलने की नहीं गारंटी है ना? क्या बात है। तो फिर यहाँ पे तुम्हारे पास ये अगर लकड़ी लेना तो कहाँ आना पड़ेगा? दुकान अपना, हमारा घर हरियापुर है, कबीरनगर जिला है। हरियापुर संतपुर जिला में, वार्ड नंबर 5 है हम। वार्ड नंबर 5 में इंदिरा नगर। इनके दुकान पर अगर कभी आप आइए तो विजिट कर सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अखलाक खान है, हमारे पिताजी का नाम बुद्धू खान है। बुद्धू खान, अखलाक खान इनका नाम है, इनके पिताजी का नाम बुद्धू खान है। अगर आप मेले में आते हैं तो उनके यहाँ कुछ सब्सिडी कुछ छूट दोगे? अगर जो नहीं, जो लोग वीडियो देख कर अगर आए, क्यों नहीं आए? कितना सब्सिडी दोगे, कितने परसेंट? देखेंगे जैसे वो बात करेंगे सर हम, तब भी कितना परसेंट सब्सिडी दोगे? कल मतलब हर किस्म का हमारे पास बेड है। नहीं, छूट कितना करोगे, कितने परसेंट? 1,000-2,000 होगा। अरे 30,000 का सामान है, 1,000-2,000 करोगे? 2% 10% बेड भी भैया है ना, बेड भी है तो वैसे 10% बोलो। और मेले के नाते समझे मैं छूट दे दिया हूँ, 40,000 का बेड है। अच्छा, ये मेले के नाते जो है छूट दे, कितने परसेंट छूट दिया? 10% में छूट दे दिया। 10% छूट करके बताए हैं, उसके बाद भी गारंटी वारंटी है? टूटने की गारंटी नहीं, सड़ने गले की गारंटी है, क्योंकि भाई टूट सकता है, फर्नीचर का सामान है, है ना? तो भाई, भाई धन्यवाद आपको, आपने बताया अच्छा आएगा। नहीं, शाम का समय है, उठलाई लगाए हो ना? लकड़ी मंडी देखी है। हाँ, बाकी पैसे हैं नहीं गाइस, तो आप बाहर भी देख लीजिए। नहीं, हम अंदर घुमाएंगे, पैसे की बात नहीं, हम अंदर घुमाएंगे, देखेंगे किस तरह से है ये झूला वाला, ये मॉडर्न झूला। मज़ा आ गया। अब चलने वाले हैं वहाँ पर जहाँ पर हमने बात की थी, यानी कि धाम में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं कहाँ पर? तामेश्वर नाथ धाम में। ये है उसका मेन गेट, इसी मेन गेट से अंदर हम चलेंगे जहाँ पर बाबा जी का हम लोग दर्शन करेंगे, साथ में आपको भी घुमाएंगे। चलिए चलते हैं। आज मेरी इच्छा है, शाम का समय है, किससे मिलूं? रशियन। रशियन कहाँ मिलेंगे, यहाँ तो इंडिया है, यहाँ पे इंडियन लोग मिलेंगे, रशियन कहाँ मिलेंगे? शाम का समय में काफ़ी शांत माहौल है और आसपास प्रसाद यहाँ बिकते हैं। प्रसाद देखो क्या है, बेर और इलायची दाना, चना, रामदाना। और यहाँ पर मंदिर में चढ़ाने के लिए जैसे मटका चाहिए तो मटका, और ये है गुलक, गुलक है ये। और बासी में पूजन सारी सामग्री यहाँ पे मिलती है। के समीप हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास ही में, एक छोटा सा यूँ कह लीजिए बहुत बढ़िया सुंदर सा तालाब है जो चारों ओर से घिरा गया। अभी चलते हैं वहाँ पे, पहले चलते हैं यहाँ पे मंदिर के अंदर, बाबा जी का पहले हम दर्शन कराते हैं। तो पहले यहाँ नल है, पहले हाथ जोड़ रहे हैं। ओम गणपतये नमः। पार्वती पते हर हर बाबा जी का हमने दर्शन कर लिया। दर्शन में नंदी महाराज पास में हैं और बीच में हमारे तामेश्वर नाथ धाम बाबा जी सरकार बैठे हैं। जो भी यहाँ पे लोग मन्नतें मांगते हैं
उनकी सारी मन्नतें यहाँ पे पूरी होती है। और आप भी अगर आपका भी अगर कोई मन्नत हो तो इस वीडियो के माध्यम से बाबा जी से आप अपनी मन्नतें मांग सकते हैं। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञात वास काल यहाँ बिताया था, और यही तामेश्वरनाथ धाम मंदिर जहाँ पर आज भी राम चैत मानस पाठ का यानी कि सुंदर कांड का पाठ हुआ करता है ना। तो चलिए चलते हैं अभी हम मेले में, मेले का भी दर्शन करेंगे। इस मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ पे कुछ पुजारी लोग होते हैं जैसे कि वो कहते हैं पंडित लोग आपको रक्षा स्तोत्र भी बांध देंगे इस तरह से, और आपकी जो स्वेच्छा हो वो आप दे सकते हैं। वैसे इनका कोई दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं रहेगा कि आप इनको इतना ही पैसे दें। क्यों सर? हाँ, जो इनको आप प्रेम से देंगे वो ले लेंगे, है ना जी। क्या नाम भैया आपका? चंद्रशेखर पांडे। चंद्रशेखर पांडे जी हैं कहाँ के भैया? हमारा घर गोरखपुर पड़ेगा। गोरखपुर? हाँ, पढ़ाई लिखाई दुखिया से किए। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कर्म अपना करने आए। अच्छा अच्छा, ये भैया जी जो हैं आप गोरखपुर से? गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं और तामेश्वरनाथ धाम में आए हैं? तामेश्वरनाथ धाम में आए हैं पूजा पाठ कर्म करने जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। भैया जी ने हमको रक्षा सूत्र बांधा है, है ना। तो आप लोग भी अगर आते हैं तो जरूर रक्षा सूत्र बांधाएं। वैसे आपकी इच्छा, मेरे साथ तो कोई प्रेशर नहीं है, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तो अभी हम लोग रक्षा सूत्र बांधवा दिए, चलते हैं श्रृंगार महल की तरफ, है ना। श्रृंगार मार्केट से घूमा है, अब घुस गए हम लोग कहाँ पे? कहाँ घुस गए जी? लोहे वाले मार्केट। अब लोहे वाले मार्केट में घुस के देखो क्या मिलता है यहाँ पे। लोहे का सारा सामान, कढ़ाई, बर्तन, जितने भी घर में यूज होने वाला सामान है सब कुछ यहाँ मिलते हैं चारों तरफ। तो घर के गृहस्थी का कोई सामान लेना नहीं है वैसे? क्या लेना है? किस मंदिर का? कुछ लेना नहीं है, घूमना है हमको, बस हमको शाइनिंग मारना है चश्मे लगा के। फैशन मारना है इसको, है ना, शाइनिंग शाइनिंग करना है। ये क्या है भाई? आ गए हैं फायर ड्रैगन ट्रेन के पास। बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारियाँ हैं बने हुए, चलते हैं ऊपर। ये ऑपरेटर कितना किराया है? 30 रुपये का जो है एंट्री फीस है, जो कि ड्रैगन ट्रेन में जा सकते हैं। इसमें कितना चक्कर लगाएंगे? 6 राउंड, मतलब कि 30 रुपये में 6 बार आएगा। ये रही, इसलिए पहन के देखते हैं कैसा लगता है। ये है, ये 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 है ट्रेन। इसी ट्रेन से संसन संसन चारों तरफ ये चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जैसे आमतौर पे जो ट्रेन होती है उस तरह से नहीं, ये बच्चों वाला है तो अभी तो खाली है, लेकिन आनंद तो उतना ही आएगा जितना कि आता है। तो अभी चलते हैं हम कहाँ पे? अभी चलते हैं हम वहाँ पे जहाँ पर झूला, आसमानी झूला चल रहा है, वहाँ पे चलते हैं, है ना। आ गए हम लोग आसमानी झूला के पास। नाव भी है, इसको क्या बोलते हैं भैया? ना झूला, ना झूला, ना झूला इसको बोलते हैं। कितना टिकट है? 40 रुपया इसका टिकट, 40 रुपया है। इस झूले पे बैठने के 40 रुपये पे करने के बाद इसमें 6 चक्कर लगाएंगे, बहुत शानदार। अब बैठते हैं। काफी आनंद आया, बहुत ही सुंदर लगा। अभी हम चलते हैं ऊपर, कहाँ पे? मौत के कुआं में, और जहाँ पे 20 रुपये का टिकट है। ये भैया ये टिकट दे रहे हैं और हम चलेंगे। वाह, बाय बाय कर दिया उन्होंने, टिकट हमने ले लिया भैया से। चलो जी,
ये ऊपर ऊपर देखो, दो तल्ला एक तल्ला नहीं चलते, ऊपर चलते हैं। बाइक अपनी यहाँ रखी थी लकड़ी वाले के पास, अब यहीं से ले लेंगे क्यों? इनका पैसा YouTube व्यूअर देंगे। क्या बात है, इसका पैसा YouTube व्यूअर देंगे ही, लेकिन कुछ बोलोगे तब ना उनके लिए? देखिए भाई, हम लोग मौत कुआ देखे, मिली तो फड़ी हुई, आप लोगों को कैसा लगे ये बताइए कमेंट करके। क्या बात, वाह 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 वाह, तभी पता चलेगा जब भभाएगा, नहीं पता चलेगा बहुत भभाएगा। हम लोग तमेश्वरनाथ मेले में घूम लिए, यहाँ पर जो नाव था नाव में, और आसमानी झूला इसलिए झूले क्योंकि वहाँ पे हम लोग को डर लग रहा था, और ये तो जा ही नहीं रहे थे, लेकिन वो जो झूला था उसमें तो हम लोग घूम लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पर शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब बात है।